वेलकम बैक। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेनवेट क्रेडिट, यानी जिसे हम इनपुट सर्विस टैक्स भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो हर सर्विस प्रोवाइडर कहीं ना कहीं खुद भी एक सर्विस रिसीवर जरूर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बार अपना एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो हमारा इंस्टीट्यूट है सिटी कॉमर्स अकेडमी, और हम अकाउंट्स और टैक्स में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारी ये कॉमर्शियल ट्रेनिंग है। तो जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमें स्टूडेंट से फीस आती है, जो हमें स्टूडेंट्स हमारी ट्रेनिंग के अगेंस्ट देते हैं। और उस फीस के साथ साथ, क्योंकि हमारी कॉमर्शियल ट्रेनिंग है, तो हमें सर्विस टैक्स भी लेना पड़ता है, या यूं बोल दीजिए कि हमारी टैक्स सर्विसेज जो है टैक्सेबल है। लेकिन इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत सी सर्विसेज खुद लेनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने सपोज करो जिस प्रमाइसिस में हम पढ़ाते हैं, हमने सपोज करो रेंट पे लिया है, हमारा 10,000 पर मंथ रेंट जाता है, तो अलोंग विद रेंट हमसे सर्विस टैक्स भी जाता है। या हमें सपोज करो टेलीफोन की सर्विसेज या इंटरनेट की सर्विसेज हम अपनी अकेडमी में लेते हैं, तो जब हम टेलीफोन या इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट पे कोई एडवर्टीजमेंट हमने पब्लिश की, तो अलोंग विद जो बिल अमाउंट हमारा आता है उसके साथ हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। इवन कल हम कुछ कोई प्रिंटिंग या कुछ स्टेशनरी प्रिंट कराएं या स्टडी मटेरियल प्रिंट कराएं, तो उस प्रिंटिंग कॉस्ट के साथ साथ हमने बेसिकली सर्विस टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है। तो इट मींस क्या हुआ कि जो हमें स्टूडेंट से फीस आई और उसके ऊपर जो हमने सर्विस टैक्स पे किया, तो उस जो बंडल पैक करके हमने सर्विसेज का बोल दीजिए दिया, उसमें हर सर्विस फैक्टर इंक्लूड था, जिसमें आपके रेंट की सर्विसेज भी थी, आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी हो सकती है, टेलीफोन इंटरनेट की भी हो सकती है। यानी हमने खुद ये सर्विसेज रिसीव करके और साथ में उसमें अपने एफर्ट्स जोड़ के आगे फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड की। तो अगर हम पूरे सर्विस अमाउंट के ऊपर जो हमने पैसे रिसीव किए, जो हमने अगेंस्ट जो हमने अपनी ट्यूशन फीस या यूं बोल दी जो ट्रेनिंग फीस हमने ली, उस ट्रेनिंग फीस में बाकी सर्विसेज के अमाउंट भी इंक्लूडेड थे। अगर हम किसी भी स्टूडेंट से सपोज करो 20,000 फीस चार्ज करते हैं, व्हाट इट मींस, उसमें रेंट जो प्रमाइसिस का रेंट है वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी उस सर्विसेज को जनरेट करने में आई है, और जो बाकी सर्विसेज हैं वो भी। तो बेसिकली जो सेनवेट क्रेडिट स्कीम है, ये एक्साइज में हमारे इंट्रोड्यूस हुई थी और कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। कास्केडिंग इफेक्ट क्या हुआ कि जो हमने सर्विसेज रिसीव किए उसके अगेंस्ट जो हमने टैक्स पे किया है, तो वो टैक्स हमारी एक अलग से टैक्स लाइबिलिटी बन चुकी है। कल जब हम आगे अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो सर्विस टैक्स लेंगे, अगर वो पूरा डिपॉजिट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्यूल टैक्सेस हो जाता है। तो इसी ड्यूल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए, इसी कास्केडिंग इफेक्ट को करने के लिए हिंदुस्तान में सेनवेट स्कीम को लॉन्च किया गया था एक्साइज में। और सिमिलरली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर सर्विस टैक्स में भी हो चुका है। और इसको चाहे आप सेनवेट क्रेडिट, वैसे एक्साइज से रिलेटेड वर्ड है, यहाँ आप इसे इनपुट सर्विस टैक्स भी बोल सकते हैं और सेनवेट क्रेडिट भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसको, जब हम सेनवेट क्रेडिट की बात करें, तो हम एक एग्जांपल के जरिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटर समझने के लिए कि हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, और जब सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराते हैं तो इसके एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे रहता है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ। सपोज करो एग्जाम्पल है हमारी कंपनी का, जिसका नाम है सिटी कॉमर्स अकेडमी। हमारी एक हम एक पर्टिकुलर क्वार्टर की हम रिसीप्ट्स की बात करेंगे। जो हमारा क्वार्टर है 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2015 तक, हमारी टोटल रिसीप्ट्स जो है, जो हमारी ट्यूशन फीस है या जो हमारी हमारी एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके जो चार्जेस हमें स्टूडेंट्स टोटैलिटी में आए हैं, उसकी डिटेल कुछ ऐसे है। सपोज करो हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, हमें जो सर्विस अमाउंट जो हमने रिसीव किया है वो सपोज करो 5 लाख है। फिगर हम सारे इन रुपीज ले लेते हैं। अब जब उस पे सर्विस टैक्स हमने रिसीव किया है, तो उसका 12% अगर हम देखेंगे तो 60,000 आएगा। अब 60,000 का अगर हम 2% निकालें तो एजुकेशन से 1200 आएगा। 1% हायर एजुकेशन निकालें तो 600 आएगा। तो इट मींस जो हमने बेसिकली सर्विस टैक्स जो है रिसीव किया है वो 61,800 है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जो कि क्वार्टर हमने डिस्कस किया। और इसी क्वार्टर में हमने जो कुछ सर्विस रिसीव की है, और उस सर्विस रिसीव के दौरान जो हमने टैक्स पे किया है वो कुछ ऐसे है, उसकी डिटेल कुछ ऐसे है। रेंट हमने इन 3 मंथ में सपोज करो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 30,000 पे किया, और 30,000 पे जब हम सर्विस टैक्स निकालेंगे तो उसका 12% 3600 आएगा, और फिर उसका 2% आपका जो है 72 रुपीज आएगा,
एंड अगेन सेकेंडरी हायर एजुकेशन से 36 आएगा। सिमिलरली हमने कुछ टेलीफोन्स के बिल भी और साथ में इंटरनेट के बिल भी पे किए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उसका जो टोटल अमाउंट था हम राउंड फिगर में ही चलते हैं सपोज करो 6000 है। तो यहाँ पे जो हमने सर्विस टैक्स पे किया 12% के हिसाब से 720 है, और उसके बाद जब हम एजुकेशन सेस की बात करेंगे तो इसका 2% निकलेगा जो कि तकरीबन 14 रुपीज आएगा, और अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन सेस की बात करें तो वो 7 रुपीज आएगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने कोई प्रिंटिंग या मटेरियल कोई प्रिंट नहीं कराया, सपोज करो बस यही हमारे पास डिटेल है। तो अब हम जब एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो ये हमारा वो अमाउंट है जो हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द जो है क्वार्टर 61,800 इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन सेस एंड ऑल, और जो हमने पे किया वो कुछ ऐसे है। तो अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी जब हम सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराएंगे अपना फर्दर, तो हम इसे आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि हाउ टू एडजस्ट सेनवेट क्रेडिट अगेंस्ट सर्विस टैक्स। तो जो हमारा इस पर्टिकुलर क्वार्टर का सर्विस टैक्स पेबल बना, जो अमाउंट रिसीव किया हमने, वो है सर्विस टैक्स हमारा, ये हमारा जो जैसे मेंशन है यहाँ पे 60,000 है। इस 60,000 में हमने 1200 रुपीज एजुकेशन सेस के हैं हमारे, और हायर एजुकेशन सेस से 600 रुपीज सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। और जब सेनवेट क्रेडिट की बात करेंगे, सेनवेट क्रेडिट की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा सेनवेट क्रेडिट बनेगा बेसिकली जो 36 हमारा सर्विस टैक्स है और साथ में 720 है, तो अगर आप इन दोनों का टोटल कर दो यहाँ पे तो जो हमारा टोटल आएगा 70 प्लस दिस इट मींस क्या हुआ 4320 रुपीज इसका टोटल आ जाएगा। और अगर आप एजुकेशन सेस का टोटल करोगे तो इट मींस क्या है 72 प्लस आपका 14 रुपीज, तो ये तकरीबन आएगा 86 रुपीज। एंड अगर हायर एजुकेशन सेस की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, 36 प्लस 7 ये आएगा 43। अब जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो बेसिकली आप सर्विस टैक्स में से सर्विस टैक्स लेस करोगे, एजुकेशन में से एजुकेशन और हायर एजुकेशन में से हायर एजुकेशन। तो अगर 60,000 में से हम ये लेस करते हैं तो ये तकरीबन आएगा 55,680 अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट जो भी हम कहेंगे। 1200 में से आप 86 लेस करोगे तो 11,114 रुपीज आए। 600 में से अगर आप 43 लेस करोगे तो ये 557 है। तो अगर आप टोटल की बात करो, अगर हम टोटल की बात करें तो हमारा यहाँ 61,800 रहेगा, और जो हमारा ये आएगा तकरीबन 4,409, और अगर इसमें से लेस करें तो जो आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 57,351। तो इट मींस क्या हुआ कि जो हमने सर्विस टैक्स रिसीव किया इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन सेस, दिस इज 61,800 है, और जो हमारा सेनवेट क्रेडिट हुआ वो ये अमाउंट हुआ, और जो हमारा नेट पेबल है अब ये बनेगा। अल्टीमेटली हम जो अगर हम सेनवेट क्रेडिट की बात करें तो उसकी एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं। देखिए सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखिएगा सेनवेट क्रेडिट के केस में, कि अगर आप कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो या जो सर्विस प्रोवाइडर करती है आपकी कंपनी, उस पर्टिकुलर सर्विस को जनरेट करने के लिए जितनी सर्विसेज आपकी कंपनी ने खुद ली हैं उन पे जो आपका टैक्स चला जाता है वही आपका सेनवेट क्रेडिट कहलाता है बेसिकली। और अगर कल हम फ्यूचर की बात करेंगे, यहाँ पे इस क्वार्टर में बेसिकली हमारा जो है 12% सर्विस टैक्स है प्लस एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन है, लेकिन फ्यूचर में कल 14% होता है और साथ में आपका या स्वच्छ भारत सेस आता है कुछ भी आता है, देन उसके केस में भी क्योंकि फिर पैटर्न सिमिलर रहेगा। अगर आप आज सर्विस प्रोवाइड करते हो आपको 14% लगता है जब आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो जब सर्विस रिसीव करोगे तो उसके केस भी 14% पे करोगे, और अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करने पर स्वच्छ भारत सेस लगाना पड़ता है तो जब सर्विस रिसीव करोगे तो भी आपने पे किया होगा। तो बेसिकली फ्यूचर के केस में भी स्टेटमेंट जो है सिंपल रहेगी, आपने जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे उस सर्विसेज को जनरेट करने के लिए अगर आपसे कोई टैक्स चला जाता है तो इसी पैटर्न पे लेस करोगे, सर्विस टैक्स में से सर्विस टैक्स परसेंटेज जो भी हो आपको रिसीव करते टाइम भी वही लगेगी, पे करते टाइम भी वही लगेगी। और साथ में अगर हम बात करें उसके ऊपर जो लगने वाला सेस, तो जब आप सर्विस रिसीव करोगे तो उससे जो सेस चला जाएगा वो आपका बेसिकली सेनवेट क्रेडिट बन जाएगा। तो इसी पैटर्न पे
अब आपका चाहे कल परसेंटेज कुछ भी रहे, फ्यूचर में गवर्नमेंट कितने बार भी चेंज कर दे सिस्टम को, लेकिन आपका जो है सेनवेट क्रेडिट सिस्टम बेसिकली सेम रहेगा। लेकिन एक दो पॉइंट और ध्यान रखना, हमने डिस्कस किया था कि जो सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी है आपकी सेक्शन 68(1) में भी निकलती है और 68(2) में भी। इफ यू आर ए सर्विस रिसीवर, इफ यू आर ए सॉरी सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर ए लाइबल फॉर सर्विस टैक्स अंडर सेक्शन 68(1), देन आप सेनवेट क्रेडिट को क्लेम करोगे। लेकिन इफ यू आर ए सर्विस रिसीवर अंडर सेक्शन 68(2) एंड देन आपकी सर्विस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है, इन दैट केस आपको सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी लैंग्वेज में, अगर आप एक सर्विस रिसीवर हो तो सर्विस रिसीवर को काफी पिंच किया गया है यहाँ पे इस कंडीशंस में। तो अगर आप एक सर्विस रिसीवर हो जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है, वहां पे अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो इट कैन नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट सेनवेट क्रेडिट। ओनली 68(1) में, सेक्शन 68(1) में सेनवेट क्रेडिट जो है यूज होगा। तो ये तो थी सेनवेट क्रेडिट की, ये आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा बेसिकली। तो ये तो बात थी हमारी जो है सेनवेट क्रेडिट की। और रिमेनिंग क्लासेस में आप जो है बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी रिमेनिंग क्लासेस देखिएगा। थैंक यू।